प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सीबीएसई सैंपल पेपर्स कर रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। तो हमने इस पे इसके कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं? हमने कर लिया है 6 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने एज का बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। आप ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। 5 क्वेश्चंस एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। और ये टर्म 2, आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे टर्म 2 मैथ्स देखिए या सैंपल पेपर सॉल्यूशन देखिए, यू विल गेट द सॉल्यूशंस। आज हम कर रहे हैं 6 का और वाला पार्ट जो है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और जब आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कौन सा कलर लो? ग्रीन। देखो, सबसे पहले जब इस प्रकार को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसी टर्म है जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म कर रही है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, स्प्लिटिंग अप ऑफ द मिडल टर्म नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली विल यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, जब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये 2a सबके नीचे है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए b क्या है। यहाँ पे आप लिख लीजिए a, अलग अलग जो चीजें हैं, a है भाई 9, b क्या है, b है माइनस 6 का p, और c क्या है भाई, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ये अलग अलग वैल्यूज है ना, सिंपली फाइंड आउट d, ये फाइंड आउट कर लीजिए। d क्या है, जब आप ये इसको कहते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आप अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ये वाली जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू, ये इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। तो बी स्केयर है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 6p का होल स्केयर, इस तरीके से लिखना है। माइनस 4a की जगह क्या है भाई, 9, और ac की जगह क्या है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ओके, नाउ इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 36p का स्केयर माइनस 9 चौके 36p स्केयर, और माइनस माइनस प्लस 36q स्केयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 36p स्क्वायर और माइनस प्लस तो कैंसिल हो गए। अब अपने पास केवल और केवल क्या बच गया है, अपने पास रह गया है 36q स्क्वायर। क्या रह गया है जी, 36q स्क्वायर। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज, एक्स की जब हमें वैल्यू निकालनी होती है इस तरीके से निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या था, डी ओवर में 2a। माइनस बी हो गया, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस और माइनस 6p, ये आएगा ना भाई, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6p प्लस माइनस, प्लस और माइनस। डी की वैल्यू क्या है आपकी, 36q स्क्वायर ओवर 2a, 2a की जगह क्या है, 9। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ सिंपली सॉल्व इट। अब तो इसको आसानी तरीके से आप कर देंगे, मुझे भी मालूम है। तो क्या आएगा पहले खुद करके देखो, स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट चेक इट योर सेल्फ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p, और जब इसको प्लस माइनस इसको बाहर निकालोगे तो 36 बाहर आ गया, क्यू स्क्वेयर है तो एक क्यू बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 18। अब और क्या इसमें से बाहर निकाल सकते हैं आप, तो एक्स की दो वैल्यू जाएंगी आपकी, तो एक वैल्यू आ जाएगी 6p प्लस 6q ओवर 18, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 6p माइनस 6q ओवर 18। नाउ टेक 6 कॉमन फ्रॉम बोथ, एक्स की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 6 अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर बच जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 18, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 6 बाहर निकालेंगे तो पी माइनस क्यू ओवर 18, ये कट जाएगा तो 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। तो क्या बच जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू ओवर 3, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू p माइनस q ओवर 3। आसान है, अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। सुपर 30 हर एक चैप्टर का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिस माय गारंटी। टिल देन